बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथ की हम दूसरी क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कल की क्लास में हमने ज़ीरो से लेके नाइन तक के डिजिट्स समझ लिए थे और उनके फिगर्स को और उनके जो लिखने का तरीक़ा है वो भी हमने सीख लिया था। और उसके साथ साथ हमने कल आपको ये भी बताया था कि नाइन के बाद जब टेन बनाना होता है या टेन की तादाद को ज़ाहिर करना होता है तो हम कोई नया फिगर, कोई नई पिक्चर जो है वो ड्रा नहीं करते हैं, बल्कि वन और ज़ीरो को मिलाकर हम टेन बनाते हैं। फिर वन के साथ वन अलेवन, वन के साथ टू। और उसमें हमने आपको ये समझाया था कि अब डिजिट्स के दो मुकामात हो गए। पहला मुकाम यूनिट को ज़ाहिर करता है और दूसरा मुकाम टेंस को ज़ाहिर करता है। जैसे आपके सामने लिखा जाए 43, ये क्या लिखा हुआ है 43, तो इसमें ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? यूनिट्स को, 1, 2, 3। और ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? 10 के चार बंडल्स को ज़ाहिर कर रहा है। 10 के चार बंडल्स को ज़ाहिर कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो 43 है, इसमें ये 3 किसको ज़ाहिर कर रहा है? यूनिट को, यानी पहला जो डिजिट होता है वो अकेले अकेले को ज़ाहिर करता है और जो दूसरा डिजिट होता है वो अकेले को ज़ाहिर नहीं करता बल्कि वो 10-10 के बंडल्स को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके सामने लिखूँ ये क्या लिखा हुआ है, आप फौरन समझ जाएंगे कि ये 87 है, क्योंकि ये 8 टेंस हैं। 8 टेंस का मतलब 80 और ये 7 यूनिट हैं, तो 80 और 7 मिलके कितने होते हैं? 87 या 87। ठीक है, इसी तरीके से 94, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 94, इसमें 4 दरअसल यूनिट हैं और 9 दरअसल टेंस हैं, 9 टेंस हैं। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, बुनियादी जो आपके पास डिजिट्स थे कल की क्लास में हमने देखा था वो थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बुनियादी डिजिट्स है। ठीक है, फिर जब हम 10 बनाने गए तो 10 के लिए हमने इन दोनों को इस्तेमाल किया था, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5। और ऐसे ही हमने फिर 2 के साथ 0 लगाया सारे, फिर 3 के साथ तो 23, 24, 30 के बाद की सारी गिनती, फिर 41, 42, 43, इस तरह से हम 99 तक चले गए थे। 99 में आखिर में 9 के साथ सब लगा लिए थे। देखिए, 9 के साथ 0, 9 के साथ 1, 9 के साथ 2, 9 के साथ 3, 9 के साथ 4, 9 के साथ 5, 9 के साथ 6, 9 के साथ 7, 9 के साथ 8, 9 के साथ 9। तो हमारे पास जो बुनियादी डिजिट्स थे वो हमने सारे सब के साथ मिला लिए। इस तरह हमारी गिनती बन गई थी 99 तक। ठीक है, 99 तक हमारी गिनती बन चुकी थी। अब 9 के बाद जब सारे मिला लेते हैं तो फिर 100 कैसे लिखते हैं? फिर आप 10 के साथ यही सारे मिलाना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने लिखा 10 के साथ 0, ये 100 हो गया। 10 के साथ 1, 10 के साथ इस 10 के साथ 2, 10 के साथ 3, 10 के साथ 4, 10 के साथ 5, 10 के साथ 6, 10 के साथ 7, 10 के साथ 8, 10 के साथ 9। अब ये बना 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। तो आपने 10 के साथ सारे मिला लिए, अब किसके साथ मिलाएंगे? 11 के साथ। 11 के साथ 0, 110, 11 के साथ 1, 111, 11 के साथ 2, 112, 11 के साथ 3, 113, 11 के साथ 4, 114, 11 के साth 5, 115, 11 के साथ 6, 116, 117, 118, 119।
अब 11 के साथ मिला लिया, अब किसके साथ मिलाएंगे? 12 के साथ। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सही है। अहम तरीन बात जो आपको यहाँ समझनी है वो ये है कि जब 9 के साथ पूरे आपने मिला लिए तो दो डिजिट वाले अल्फाज बने, लेकिन जैसे ही आपने 10 के साथ अगला लफ्ज़ मिलाया तो अब 3 डिजिट वाले नंबर बन गए। 3 डिजिट वाले नंबर में जो पहला नंबर होता है वो शो करता है यूनिट को, और दूसरा जो नंबर होता है वो शो करता है टेंस को, और तीसरा जो नंबर होता है वो शो करता है 100 को। किसको शो करता है? 100 को। जैसे यहाँ लिखा हुआ हो 3, 1, 5, 6, तो ये 6 दरअसल क्या हैं? यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये 5 दरअसल क्या हैं? 10, 10 के 5 बंडल हैं, 10, 10 के 5 बंडल हैं। A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो 6 हो गए यूनिट, और ये क्या बने? ये 5 टेंस हैं। और ये 1 क्या है? ये इन टेंस को जब 10 हो जाते हैं, ये टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी 10, 10 के अगर 10 का पैकेट बन जाए तो ये अब 100 बन गया। ये कितने 100 हैं? 100। तो हम इसको पढ़ेंगे 100, 5 टेंस का मतलब 50, 156, 156। ये वाला यूनिट, ये वाली जो डिजिट है तीसरी, ये दरअसल 100 को ज़ाहिर करती है। मैंने यहाँ जिस तरह बताया आपको कि पहला डिजिट्स यूनिट को शो करता है, दूसरा डिजिट्स टेंस को शो करता है, और तीसरा डिजिट्स 100 को शो करता है। क्लियर हुई बात? अब जैसे मैं आपके सामने लिखूं 5, 3, 9, तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये 5 दरअसल क्या है? 100 है। 3 क्या है? टेंस है, यानी 30, और ये 9, 539। ऐसे पढ़ते हैं नंबर, ठीक है, 3 डिजिट्स के। अगर लिखा हो जाए 786, तो ये क्या है? 700। 8 टेंस हैं, इसका मतलब ये 80 है, और ये 6, तो 786, ठीक है। इसी तरीके से एक नंबर में लिख रहा हूँ आपके सामने 407। अब देखिए इसको, इसमें यूनिट तो है 7, लेकिन इसमें टेंस नहीं है और 100 है, तो ये बना 400। टेंस इसमें कोई नहीं है, 70, 80, 30, 20 कुछ भी नहीं, तो 407, 407। इसमें टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने ये लिखूं 350, तो इसका क्या मतलब है? इसमें ये 3 क्या है? 100 है। ये 5 क्या है? टेंस हैं, 5 ऐसे टेंस हैं, तो ये 50 हो गया, और यूनिट इसमें कोई नहीं है, तो हम पढ़ेंगे 350। यूनिट नहीं है, इन दोनों को मिला के 50 नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान में रखिएगा आप, मैं इसको 50 कह रहा हूँ क्योंकि ये 5 टेंस हैं और यूनिट इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए इसको हम कहेंगे 350। तो 3 डिजिट तक नंबर पढ़ना बड़े आसान है। सीधे हाथ से पहला नंबर यूनिट को ज़ाहिर करता है, दूसरा नंबर टेंस को ज़ाहिर करता है, और तीसरा नंबर 100 को ज़ाहिर करता है। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, अगर हम रुपीज़ में देखें तो हमारे पास 1 रुपये का सिक्का होता है। 1 के सिक्के जब 10 हो जाते हैं तो वो 1 10 का नोट बन जाता है। सही है, यानी जब 1-1 के सिक्के आप 10 जमा कर लें तो वो दरअसल क्या बन जाता है? 1 10 का नोट, ठीक है। और 10-10 के अगर 5 नोट हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? 50-50 का नोट। लेकिन हम यहाँ पर जब डिजिट्स काउंट करते हैं तो हर अगले को पिछले 10 मिलाने से जो बनता है उसे डिस्कस करते हैं।
यानी एक एक के सिक्के 10 मिलेंगे तो 10 का नोट बनेगा, 10 10 के नोट 10 मिलेंगे तो 100 का नोट बनेगा, सही है। 10 10 के 10 नोट मिलेंगे तो 100 का नोट बनेगा, 100 100 के 10 नोट मिलेंगे तो 1000 का नोट बनेगा। जैसे ही 1000 पे आप जाएंगे तो आपका ये जो यूनिट 10 और 100 है, 100 के बाद एक डिजिट और जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक डिजिट और बढ़ जाएगा। उस डिजिट को आप क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स। ये वाला जो डिजिट्स होगा इसे क्या बोलेंगे, थाउजेंड्स, ठीक है। तो चार डिजिट्स, यानी अगर आप रुपए के लिहाज से सोचेंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा कि एक एक के सिक्के जब 10 हो जाते हैं तो 10 का नोट बन जाता है, 10 10 के नोट जब 10 हो जाते हैं तो 100 का नोट बन जाता है, 100 100 के नोट जब 10 हो जाते हैं तो 1000 का नोट बन जाता है, यानी हर पिछले 10 मिलकर अगला नया यूनिट बनाते हैं। ये वाले 10 मिले थे तो क्या बना था, टेंस। जब ये वाले 10 मिले तो क्या बना, 100। जब ये वाले 10 मिले तो क्या बना, 1000। अब अगर 4 डिजिट्स का नंबर हो, 4328, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें ये यूनिट को शो कर रहा है यानी 11111, ये 2 को शो कर रहा है यानी टेंस टेंस के पैकेट हैं ये 2, ये 300 के पैकेट को शो कर रहा है और ये 4000 के पैकेट को शो कर रहा है। 4000 300, 2 दरअसल टेंस हैं तो 28, 4300 and 28, सही है, समझ पा रहे हैं आप बात को। 4000 यानी जो चौथा डिजिट होगा तो वो दरअसल जाहिर किसको करेगा, थाउजेंड्स को जाहिर करेगा। तीसरा डिजिट जो होगा वो 100 को जाहिर करेगा, दूसरा जो डिजिट्स होगा वो टेंस टेंस के नोट को जाहिर करेगा, और पहला जो डिजिट होगा वो सिक्कों को जाहिर करेगा। ऐसे आप समझें, ये सिक्के हैं, ये 10-10 के नोट हैं, ये 100-100 के नोट हैं और ये 1000-1000 के नोट हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपके सामने एक नंबर और लिखता हूँ 8, फिर यहाँ 0 लगा दूँ, ये 3 और ये 5, तो 8 क्या है, 1000 है, 100 इसमें नहीं है, 8000, और ये 3 क्या है, टेंस हैं, टेंस का मतलब 30 30 3, 10-10 के 3 नोट हैं तो ये 30 हो गए, और ये 5 35, 8035, 8035, इसमें क्योंकि 100 नहीं था इसलिए हमने 100 को काउंट नहीं किया, ठीक है। आपको डिजिट पढ़ना आना चाहिए, यानी जो भी नंबर लिखा हुआ आपके सामने आए रुपीज़ की फॉर्म में, आपको वो पढ़ना आना चाहिए। मैं जैसे लिखूं आपके सामने 8305, तो अब आप इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 8000, ये 3 क्योंकि थर्ड नंबर पे है तो ये 100 है, 300, और 10-10 के नोट इसमें नहीं हैं तो ये 5 एक एक के सिक्के हैं, तो 8305, 8305, ठीक है। तो देखिए हमने कल की और आज की क्लास में 4 डिजिट के हिंद से पढ़ना सीख लिए हैं, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ कि लिखिए 4893, 4893, तो आपके ध्यान में आ रहा है 4000, 4 तो उसमें 1000 के रुपए हैं, तो ये 1000 की जगह आपने क्या लिख दिया, 4, फिर मैंने कहा 800, तो आपको पता चल गया 100 के कितने नोट हैं इसमें, 8, फिर मैंने कहा 90 का मतलब ये है कि 10-10 के 9 नोट हैं, तो 10-10 के 9 नोट 90, और मैंने कहा 5, तो ये क्या बना, 4895, ठीक है। 4 डिजिट के नंबर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आने चाहिए। हम अगली क्लास में 4 डिजिट के बाद भी जो 5वां डिजिट है उसको कैसे स्टडी करते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, इसका हम मुताला और डिटेल में करेंगे, लेकिन कम से कम 4 डिजिट तक की स्टडी आज हमारी मुकम्मल हो रही है। आप ख़ुद कापी खोलकर कोशिश करें कि पहले उसमें
एक नंबर खुद सोचें, एक फिगर सोचें, एक रकम सोचें और उस रकम को लिखें। जो रकम आप सोच रहे हैं वो रकम 1000 तक महदूद होनी चाहिए, 4 डिजिट पर मुश्तमिल होनी चाहिए, वो 10,000 से आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 1000-1000 के नोट जब 10 हो जाएंगे तो फिर वो 5वां डिजिट बन जाएगा 10,000 का। कल की क्लास में हम इसको तफसील से आपको बताएंगे, 10,000 के बाद के जो नंबर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिर एक बात आपको समझनी है कि पाकिस्तान में नंबर्स को पढ़ने का तरीक़ा कुछ और है और इंटरनेशनली नंबर्स को पढ़ने का तरीक़ा कुछ और है। कल की क्लास में हम आपको ये दोनों अलग अलग तरीक़े समझाने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनली नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ते हैं वहाँ के लोग, और पाकिस्तान में जो रुपीज़ हैं और नंबर्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में आप ज़रूर मेरे साथ रहें, उसमें आप ये बातें सीख लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।